सो वेलकम बैक टू फ्री आर। और आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगी फ्री फायर की न्यूज सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज। तो अभी हमारे 90,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। तो अगर आप एक नए व्यूअर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है इन्फ्लिक्ट वाईटी के बारे में। तो इन्फ्लिक्ट वाईटी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए, जहां पर रिप्लाई किए लूफी के सारे एलिगेशन का। और इस वीडियो में इन्फ्लिक्ट वाईटी ने यह भी बताया कि एक टाइम था जब लूफी ओपी ने भी न्यूज चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन उनके इतने अच्छे व्यू नहीं आए, इसलिए उन्होंने अपना कंटेंट चेंज कर लिया उस टाइम। एंड इसके अलावा और भी काफी सारी चीजों के बारे में बात की है लॉजिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये वीडियो जाकर जरूर देखना, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए अब हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है देसी गेमर के बारे में। तो देसी गेमर कल अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। यहाँ पर एक बंदा उनको सुपर चैट करता है कि क्या आईडी बैन होने पर स्पैम करवाना जरूरी है क्या। यहाँ पर देसी गेमर रिप्लाई करते हैं कि जिनकी भी आईडी बैन होती है, मतलब फ्री फायर आईडी बैन होती है या फिर ऐसी कोई छोटी मोटी चीजें होती है, उसके लिए स्पैम करवाना गलत चीज है। बार बार किसी के लिए भी स्पैम करना कि जस्टिस दिलवा दो, उसको जस्टिस दे दो इस चीज के लिए, तो ये काफी गलत चीज है। एक बार के लिए अगर आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो चुका होता या फिर डिलीट हो चुका या कुछ भी हो चुका होता, तो हम उसको हेल्प कर पाते, लेकिन इन चीजों के लिए वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर जोंटी भाई भी बात किए क्रोनो के बारे में। तो यहाँ पर बताया कि सारे ई-स्पोर्ट टीम से यहाँ पे पूछा गया, मतलब सजेशन लिया गया कि क्रोनो पे क्या चेंजेस लाए जाए, मतलब इसकी पावर को चेंज किया जाए या फिर इसको बैन ही कर देना चाहिए गेम से। किसकी आईडी बैन हुआ क्या उसको स्पैम करवाना चाहिए? नहीं भाई, आईडी बैन हुआ तो बैन होगा ना, हम क्या कर सकते हैं? अब स्पैम करने वाले करो यार भाई, वो किसका बैन हुआ क्या हुआ भाई? आईडी यूट्यूब चैनल थोड़ी ना हैक हुआ है, हैक थोड़ी ना हुआ है वो इस हैक आईडी हैक क्या होता है? आईडी तुम आईडी पासवर्ड शेयर करके कोई आए आपका ले लेगा, आप लीगली जाओ अपने प्रोसेस के हिसाब से, कुछ ना कुछ तो होगा ना। मेरे चैट पे स्पैम करके फायदा नहीं। हाँ यूट्यूब चैनल हैक हुआ है तो ट्विटर में मैं जितना हो सके उतना हेल्प कर सकता हूँ, अब तुम्हारा आईडी के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर सकता ना सर, सीधी सीधी बात है। वही 5-6 बच्चे आते हैं वो डिस्कॉर्ड में बैठ के ना, जाओ इसके चैट पे जाके हम लोग स्पैम करते हैं बोल के आ जाते हैं क्या करो भाई, मेरे को फायदा है भाई, वॉच टाइम मिलेगा दिन भर करो, मैं तो दिन भर लाइव करूँगा, 5-10 नहीं कम से कम 5,000 लोग स्पैम करो, मेरे को तो वॉच टाइम मिलेगा। जाओ गाइस, तुम्हें लिखना चाहिए क्रोनो का कुछ करो, ये चीज होनी चाहिए, होनी ये चाहिए कि भाई क्रोनो क्रोनो में कुछ एबिलिटी कम करो ये वो, लेकिन तुम लोग भाई कुछ करो, छोटी छोटी चीजों में भाई तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिससे कोई लॉजिक नहीं। डैमेज कम कर दो, मेरा कहना तो यहाँ पे डैमेज कम कर दो, वो जो शील्ड तोड़ने का डैमेज है वो कम कर दो, या उसका वुकोंग की तरह टाइम बढ़ा दो शील्ड का, पूरा गेम में एक या दो बार ही हो सकता है। हाँ एक या दो बार हो तो भाई मजा भी है ना, पूछा तो था हमसे मतलब सारी स्पोर्ट टीम से कि क्या करना है इनका, क्रोनो के बारे में कुछ बोलो, कुछ चेंज करना है, सबने अपना अपना ओपिनियन दिया होगा। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है ज्ञान गेमिंग और लोकेश गेमर के बारे में। इसी पर ज्ञान गेमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर बार बार जस्टिस जस्टिस चिल्लाना किसी की चैट पर, तो ये चीज सामने वाले यूट्यूबर्स को सही नहीं लगती। एंड इसी के बारे में बात करते हुए ज्ञान गेमिंग कुछ ये कहे। जिंदगी भर के जस्टिस दिलाओ, सपोर्ट करो, गान बनाओ, बैंको चलते रहते तुम लोगों की यार, इसको सपोर्ट दिलाओ, उसको सपोर्ट दिलाओ, मत ऐसा मत लिखो मेरे चैट में यार, ऐसे यार फालतू का चीज मत लिखो यार, 9 साल के वाले से मत आओ प्लीज यार, सोच बदलो थोड़ा भाई, मेहनत करो आगे बढ़ो, कोशिश ऐसा करो दुनिया चौंक जाए, और मेहनत इतना करो दुनिया भूल जाए, समझ रहे हो, मेहनत करो ब्रो यार। एक और ग्लू वाला पे किसे कुछ होगा तो अलग बात है ब्रो, तो सभी मिलके हेल्प करता है, जिम्मे बैठ के जस्टिस दिलाओ, सपोर्ट करो भाई। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है टू साइड गेमर के बारे में। तो कल टू साइड गेमर अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। यहाँ पर एक रैंडम बंदा आता है जो कि 4 लाख रुपए लगा दिए थे बैचेस परचेज करने पर। तो अब की बार वो लोकेश गेमर को चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन अब की बार लोकेश गेमर ने कोई भी बैचेस परचेज नहीं किए, और इस बंदे ने 4 लाख रुपए के बैचेस परचेज करके रख रखे हैं ताकि वो चैलेंज ले सके उनके साथ। बैचेस थे किसके? किसके? साई गेमिंग। गाइस लौंडे के बैजेस देखो, गाइस बंदे के बैजेस देखो भाई, इसको बोल कैसे भाई, क्यों भाई, किस लिए भाई, रुक रुक गेम के अंदर पूछेंगे। वैसे खरीदे क्यों यार इतने बैज? वैसे लोकेश को बीट करने के लिए लिया था, लेकिन लोकेश ही नहीं लिया। कट गया ब्रो, लॉल हो गया ब्रो आपका। हां बुरा, बहुत बुरा कटा। इसके कितने पैसे गए आपके?
अरे पूछ ना, क्या पूछ, कितने कितने पैसे गए आपके? कितने पैसे गए आपके ब्रो? 4-5 लाख। इतना कमा लेते हो? इतना कमा लेते हो मतलब? ना तो नहीं कमाते फिर भी 50%। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है ईगल आई गेमिंग के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको अपडेट दिया था कि इनको स्ट्राइक पड़ चुका है उनके यूट्यूब चैनल पर, बट अभी वो रिमूव हो चुका है। जी हाँ, उन्होंने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इसके बारे में बताया कि उनकी स्ट्राइक अभी हट चुकी है। तो ये काफी अच्छा हुआ कि किसी क्रिएटर को जो स्ट्राइक पड़ी थी वो हट चुकी है और अभी वो फ्रीली अपना कॉन्टेंट दे पाएंगे सभी को। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है एएस गेमिंग के बारे में। तो जब एएस गेमिंग अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, यहाँ पर एक रैंडम बंदा आता है और बताता है कि उनकी आईडी हैक हो चुकी है। एंड इसके बाद यहाँ पर वो बताता है कि उनकी आईडी से 6000 डायमंड रिफंड कर लिए किसी ने। ओ भाई, अरे यस भाई, हाँ थैंक यू। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा ना एक आईडी बैन हो गया यार, अब कुछ कर सकते हो क्या? नहीं यार ब्रो, मेरा फ्री फायर वालों से कांटेक्ट नहीं है ना। नहीं होता तो मैं कर देता। अरे नहीं, मेरा आईडी में डायमंड माइनस हो गया। अच्छा डायमंड माइनस हो गया, कितना कितना माइनस हुआ है भाई? 6000 डायमंड। अच्छा यूआईडी दो, अपना यूआईडी दो भाई। रुको रुको, दे रहा हूं। तो बस यार, आज के लिए बस मेरे पास इतनी ही अपडेट थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।